नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या कल हलचल हो सकता है। एक्सपायरी स्पेशल है वीडियो, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सारे टाइम फ्रेम में आपको बताने वाला हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। तो पहले हम देखेंगे निफ्टी का 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर और 1 डे। पहले 1 डे का मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा ट्रेंड है, उसके हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, डेली कैंडल चार्ट में इतना ही हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे tradingview.com में। निफ्टी करंट फ्यूचर मार्केट का हम देख लेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने सारे ट्रेंड लाइन डाले हुए हैं। डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से जो मेजर रेजिस्टेंस है बहुत ऊपर है, लगभग 17,800 के तकरीबन टच करके आया है। यहाँ पे एक न्यूट्रल ट्रेंड में है। क्यों? जनरली प्राइस जब हाई जाता है, लो आके फिर से हायर हाई बनाता है। यहाँ पे नीचे आया है और ऊपर की तरफ ये ट्यून हो रहा है ये ट्रेंड। अगर यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड दिखाऊं डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से, तो डेली कैंडल चार्ट में क्या हुआ है, सॉरी मैंने 15 मिनट का आपको दिखाया। डेली कैंडल चार्ट में आप अगर देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ पे क्रॉस होके नीचे आया है। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, थोड़ा हल्का सा नीचे आया, हायर हाई बनाते जा रहा है। अभी यहाँ पे तोड़ा है, तो यहाँ पर हायर हाई बनाने के लिए तोड़ा है या फिर और नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो अगर मैं बताऊँ तो ये रेड और ग्रीन प्राइसिंग लाइन बना रहे थे, जिसको कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल ने दिया है। यहाँ पर पॉजिटिव, फ्लैट पॉजिटिव का सिग्नल दे रहा है। कल मार्केट में नेगेटिव जोरों से ट्रेंड देखने के लिए नहीं मिल सकता है डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे न्यूट्रल ही बता रहा है कैंडल चार्ट। उसके बाद आवरली कैंडल चार्ट के ऊपर अगर हम आए, यहाँ पे मैं RSI ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी एक क्या पैटर्न बन रहा है, आप अगर देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये आपका सपोर्ट लेवल है। तो इसको एक हम राइजिंग वेज बोल सकते हैं, एक बेरिश पैटर्न। यहाँ पर आवरली कैंडल चार्ट बता रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ, अगर यहाँ लो 17,520 या 550 तोड़ता है तो फुली नेगेटिव हो सकता है आवरली कैंडल चार्ट के हिसाब से। तो आवरली कैंडल चार्ट में दिखा रहा है कि नेगेटिव पैटर्न बना है, मतलब राइजिंग वेज। राइजिंग वेज एक बेरिश पैटर्न होता है, यहाँ पे चांसेस कम है ऊपर के साइड तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि डेली कैंडल चार्ट में न्यूट्रल है और आवरली चार्ट में नेगेटिव पैटर्न एक बना हुआ है। अभी चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में अगर देखें तो हल्का सा ये मैं हटा देता हूं, यहाँ पे हम और एक पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल सी यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इसको प्राइस सीरियसली ले रहा है और ये ही ट्रेंड को बचा के रखा हुआ है। और दूसरी जगह पे मैं अगर बताऊं आपको तो ऑलरेडी यहाँ पे एक W पैटर्न बना हुआ है और ब्रेकआउट हुआ है, ये इसका लेक लाइन है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो 200 मूविंग एवरेज के तरफ निकल पड़ेगा, जो 17,740 तक है, जो कि यहाँ से लगभग 110 पॉइंट के पॉजिटिव में है। मार्केट अगर पॉजिटिव ट्रेंड में भी जाता है तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, 17,750 या उससे ऊपर ये रेजिस्टेंस है। इन दोनों को तोड़ने के बाद ये हाई तोड़ेगा, तभी जाके एक बुल रन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन तब लगभग यहाँ पे पॉजिटिव चांसेस जो है वो बहुत ही नॉर्मल है, उतना जोरों से तेजी देखने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए, मैं यहाँ पे पैटर्न अगर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है डिसेंडिंग ट्राइंगल। डिसेंडिंग ट्राइंगल एक बायलेटरल पैटर्न होता है, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव बता नहीं सकते, जब ब्रेकआउट होता है तब जाके हम बता सकते हैं। तो प्राइस अगर ये जो हाई है 16,650 इसको तोड़ता है तो डायरेक्ट प्राइस जाके रुकेगा लगभग 17,800 ले लीजिए। उसी तरह प्राइस अगर ये लो तोड़ता है
जो मैंने बताया कि 17,520 गैप डॉप में भी खुल सकता है मार्केट, अगर उसको तोड़ता है तो डायरेक्ट आगे प्राइस रुकेगा कहाँ पे, 17,404 तक। ये हो गया निफ्टी के मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी फ्यूचर मैंने ऐड कर लिया है, पहले डेली कैंडल चार्ट देखेंगे। डेली कैंडल चार्ट में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ये जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के चला गया है, और ये टारगेट था जहां पे हमने टारगेट रखा था वही रेजिस्टेंस पे प्राइस टच होके वापस आया है। कोई बात नहीं, इसको एक रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं, यहाँ पे प्राइस पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट होने के चांसेस है। क्या हुआ है प्राइस एक्शन अगर देखेंगे डेली कैंडल चार्ट में, पैटर्न बना है इंगल्फिंग, इंगल्फिंग के बाद इस यहाँ पे बना है एक ग्रीन कैंडल, एक हाई रिलायबल कैंडल हो जाता है। यहाँ पे बता रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी पॉजिटिव बता रहा है डेली कैंडल चार्ट में कैंडल के हिसाब से। यहाँ पे इस कैंडल को बोलते हैं इनसाइड आउट पैटर्न, इनसाइड आउट पैटर्न जब इंगल्फिंग को पॉजिटिव के साइड में एक कैंडल ऐड करता है। हो सकता है यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिल सकता है, अगर मार्केट यहाँ पर भी खुलता है तो फिर से ये टारगेट अचीव करेगा। तो जनरली बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है। आवरली कैंडल चार्ट में देखें तो आवरली कैंडल चार्ट में यहाँ पे देखें तो राइजिंग वेज है, आवरली कैंडल चार्ट के हिसाब से राइजिंग वेज है। आवरली कैंडल चार्ट के हिसाब से थोड़ा नेगेटिव आ सकता है, उसके बाद पॉजिटिव जा सकता है। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, 15 मिनट का चार्ट जो है वो थोड़ा अट्रैक्टिव है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है प्राइस। हो सकता है कल अगर मार्केट हल्का सा पॉजिटिव खुले तो यहाँ पे 20 और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर देखने के लिए मिलेगा, और RSI 60 के ऊपर है तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड में तब्दील हो सकता है। तो बैंक निफ्टी कल के लिए पॉजिटिव सोच के रखिए। लेबल्स क्या क्या हो सकते हैं, लेबल्स यहाँ से डायरेक्ट चढ़ा तो आपका 39,400, उसके बाद ये हाई जो पहले बना था 39,900। नेगेटिव की तरफ अगर आता है इनकेस गलती से, पॉजिटिव ट्रेंड बता रहा है नेगेटिव ट्रेंड आएगा तो 38,100 तक मार्केट गिर सकता है कल एक दिन में, मतलब मैं 800-900 पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ। अगर फॉलिंग वेज तोड़ता है तो एक साथ में 800 पॉइंट 900 पॉइंट तोड़ सकता है, लेकिन RSI और डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से थोड़ा पॉजिटिव है। निफ्टी का और एक फ्रेम मैंने बताया नहीं निफ्टी फ्यूचर का अगर 5 मिनट कैंडल चार्ट देखे थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा आपको, क्योंकि सॉरी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, चलते हम डेली कैंडल चार्ट से 5 मिनट चार्ट में। तो 5 मिनट चार्ट में अगर फ्यूचर को देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 20 EMA को 200 EMA क्रॉस ओवर कर रहा है, तो ऑलरेडी क्रॉस होके ऊपर गया है, रिट्रेस हो चुका है। कल अगर इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल क्रॉस करता है तो मैं बता चुका हूँ ये एक डिसेंडिंग ट्राइंगल है, इसको तोड़ते ही प्राइस जाके रुकेगा कहाँ पे, मार्केट जाके रुकेगा 17,750 से लेके 17,800 तक। तो ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए, अगर कहीं भी समझ नहीं पा रहे हैं तो काइंडली आप मुझे कमेंट में बताएं, तो जाके मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। हमारे नंबर्स और डिटेल्स सारे चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा ग्रुप भी ज्वाइन करना है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे कॉल्स दिए जाते हैं, हो सकता है कुछ पैसे वहाँ पे आप बना सकें। थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक्ड।